जब मैं मर जाऊँ, जब मेरा जनाजा मेरी कब्र की ओर ले जाया जा रहा हो, तुम ये कभी मत सोचना कि मुझे इस दुनिया की याद आ रही होगी। कोई आंसू मत बहाना, चीखना चिल्लाना मत। ये यहाँ पर है ना, वो दिया जलाते थे, उसके दिन जब आता था ना तो दिया जलाते थे इसमें, वहाँ वो रोशनी के लिए। अच्छा। हाँ, बिना स्टील का बनाया है, टिका हुआ है। इसमें कुछ नया, वो नया पत्थर लगाया है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो गिर गया, वो प्लास्टर है ना। हाँ। वो गिर गया, देखो। अच्छा, और से गिर गया। वो पुराना ही है, वो चीज पुराना ही है, वो पत्थर। हाँ, वो पुराना 200 साल पुराना होगा, और ये 3 कब्रे हैं। बच्चा है ये? ये बच्चा होगा। हाँ, वो करीबी बच्चा होगा, तो इसको वो ये मीनार है ना, उसके अंदर लिया है, और वो सब उसके कुटुंबी जन है, परिवार के लोग। सिल्क जैसा लग रहा है। सिल्क जैसा लगता है, जो ग्रीन हो जाता है चौमासन में, सब जगह पर ऐसा हो जाता है, फिर वो सूखते सूखते ऐसा हो जाता है। अच्छा, रेन में ग्रीन हो जाता है और फिर वापस कलर चेंज हो जाता है। हाँ, ब्राउन हो जाता है। हाँ, क्या है ये? हाँ, कौन सा मटेरियल है वो? सेवार है, सेवार लील बोलते हैं, लील ये है, देखो ना, सॉफ्ट है। रेत पत्थर से बना है। अच्छा, तो वो क्या है कि उसको तराशने के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए, वो टूट सकता है। अच्छा। हाँ, वो मार्बल है ना, वो चिकना होता है, तो वो जल्दी से टूटता नहीं। वो झाली भी अलग, ये भी अलग, देखो कौन सी, और यहाँ पर देखो, ये देखा? पुरानी चीज़ें कितनी खूबसूरत होती थी, और जो बहुत पुराना है ना, इसमें बहुत कारीगरी है, ये बहुत खूबसूरत है। वो पक्षी या कोई मानव ऐसा वैसा के कुछ भी नहीं है, देखो कैसा लगता होगा, इनके बाप दादा राजा थे। घास फूस निकल गया सब। ओह, जब तुम मुझे कब्र में उतार दो तो अलविदा मत कहना, याद करना कि कब्र तो सिर्फ एक पर्दा, उसके पीछे जन्नत है।